मिल करके जे जे कुर्सी पर बैठल बा, जेकरा के कुर्सी मिल गई बहुत बढ़िया बा, जेके नहीं थे कुर्सी मिलल वो स्वयं भी खड़ा बाटे। तो जे कुर्सी पे बैठल बा माता बहन भैया लोग बड़े बुजुर्ग आपके भी जे खड़ा बा ओकरो के, जे हेलीकॉप्टर देखता कुछ लोग ओकरो के देखत बा रिकॉर्डो करता, यो तो बात सही बा ना कि मनोज भैया के गाना सुनत रहनी हो मनोज हेलीकॉप्टर से आवत था। और हमारी इस नेहरू इंटर कॉलेज सेमरी के बेटियां भी यहाँ पे आके खड़ी हैं, दूर भी है स्टाफ लोग भी हैं, यहाँ के विवेक बाबू बंटी जी जो यहाँ के प्रबंधक बने उन्होंने भी हमारा स्वागत किया, पत्रकार भैया लोग भी हैं, कुछ को कुर्सी मिली है कुछ को नहीं मिली है, क्षमा चाहते हैं अगर कुछ भैया लोगों को कुर्सी नहीं मिल पाई है। हम आप सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके आपको सादर प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। 3 मार्च को चुनाव है इस क्षेत्र में, इससे पहले 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथा आज हो रहा है, आज हो रहा है ना, आज भी हो रहा है और चपा चप कमल छपा रहे हैं। जहां जहां भाई बताहा की बात करते हैं और वास्तव में पूछिए तो क्यों नहीं छपाएगा, 2017 के पहले 2012 से 17 तक 5 साल जिसकी सरकार थी उन लोगों ने 5 साल में 63,000 लोगों को नौकरी दिया था, रोज नौकरी कितना दिया 5 साल में 63,000, और जोगी बाबा ने 5 साल में 4,95,000 लोगों को नौकरी दिया, सरकारी शिक्षा पुलिस ये सब मिला के कितना गुना हो गए अगर देखिएगा तो ये 7 गुना के आसपास होगा। अगर आप पहले बात करते थे तो आप याद करिए कई जगह से तो समस्या आती थी कि अब बेटियां स्कूल जाने से घबरा रही हैं, इतना उसको परेशान करने वाले लोग इतना हावी है और पुलिस उन पर हाथ नहीं डालती थी क्योंकि वो किसी न किसी नेता का करीबी निकल आता था। और अब क्या हो गया है, अब तो और बेटियों को तो छोड़ो, प्रियंका बढ़ेरा भी कहता है कि मैं बेटी हूं लड़ सकती हूं, ऐसा जोगी ने कर दिया है कि प्रियंका गांधी भी सुरक्षित समझ रही है। देखिए मैं हंस के कह रहा हूं लेकिन बात बहुत गंभीर है, प्रियंका जी जहां भी होंगी उनको जोगी जी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, वरना यूपी की बेटियों को तो बोलने भी नहीं दिया जाता। मेरे भैया लोग अब देखिए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, 5 साल में जो जो हुआ उसके आधार पर तो मनोजवा गाना गौते बा, हमारे गाना चलता कि मंदिर अब बनने लगा है, पूरा जुगाड़ सिर्फ पंडित मोहन वर्मा विजय बाबा। देखो मुझे केवल ना ऑर्गन भैया आप स्वर देना, केवल बाद में रिदम की बात आएगी, चौथा ताला देना कि मंदिर अब बनने लगा है, हरिद्वार चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। मत बजाओ, मत बजाओ, छोड़ दो, बाद में बजाएंगे,
बजाने का काम तो भी जनता करने वाली है। कि काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। हमारे लाइन के अर्थ को समझिएगा मेरे भैया लोग। कि मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। मथुरा भी सजने लगी है, इसका अर्थ है समाजवादी पार्टी का चार बार शासन रह चुका है प्रदेश में, लेकिन एक बार भी ये लोग ऐसा नहीं किए कि जहां भगवान कृष्ण जन्म लिए, जो आपके सपने में भी आ जाते हैं, आप एक बार मथुरा में मांस मछली बेचना मना नहीं कर सकते थे। आसपास के एक कम्युनिटी के लोग मथुरा वृंदावन में मांस मछली अंडा के इतना दुकान खोल दिए कि आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे या कौन पैदा हुआ था। दुनिया भर में बहुत जगह है उसे व्यवसाय करने को, करिए, उसका नियम है, कानून है, लेकिन नहीं, जहां कृष्ण पैदा भैले तहने बेचे के बाटे। तो ये विचारधारा को आप समझ सकते हैं, दर्द आपको होगा। पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने व्यवस्था किया, ये अब मथुरा वृंदावन में नहीं बिकेगा। चाहे तो ताली बजा के उनका स्वागत कर लीजिए। कौन मनोजवा गाँव का, कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। अगर आप कभी इन शब्दों पे, लाइनों पे विचार करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चुनाव में एक बहुत बड़ा खतरा है। यही चुनाव में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जब जब चुनाव होता है, आप देश में चुनाव होता है, आज मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, एक कम्युनिटी के लोग वो कहते हैं भाजपा को जो हराएगा हम उसी को वोट देंगे। अब आप देखिए, मैं आज एक विचार करने जा रहा हूं हाटा में, पता नहीं हमारे ऊपर कोई केस होगा, मुकदमा होगा, हम देखेंगे, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वो कहते हैं कि भाजपा को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो मैंने कई अपने मित्रों से पूछा जो उस कम्युनिटी के, मैंने कहा भैया गरीबन के अनाज मिलल है कोविड में तो तोहरा के मिलल की नहीं। बोला मिला, लेकिन हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने कहा गरीब जो होगा घर आपके कम्युनिटी में उसको फ्री प्रधानमंत्री आवास योजना मिला कि नहीं। बोला देखो बनोज भैया, मिला है लेकिन हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम पूछे कारण तो कुछ होगा यार, मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो हम तो तुम्हारे चक्कर में दे भी दें तो चार वोट दे देंगे, लेकिन है कि उसको भाजपा को वोट दे दो। तो हमने पूछा कारण क्या है, तो उनका कारण ये है। मैंने ये भी पूछा कि आपके कम्युनिटी के बहनों को तीन तलाक से दो मिनट में आपको तलाक 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 कर दिया और आप बहन सड़क पे आ गई, उसका बच्चा रोए, उसका परिवार गया, उसका पिता रो रहा है, उसको भी अगर दूर करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर भी आप कहते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समझना पड़ेगा मेरे भाई बहन, उनको इस बात का दुख है कि तुमने राम का मंदिर क्यों बनवा दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो कहते हैं कि तुमने राम का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, तुमको हम वोट नहीं देंगे, तो जो जो उनको वोट देगा वो यही कह रहा है कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इस विचार को इस प्रदेश से लेके हर जगह इसको विचार में लाना पड़ेगा। हमारा नारा है सबका साथ,
बड़ा जोर से बोलिए सबका साथ। हम अगर सड़क बनाए हैं ये कुशीनगर से लेके हाटा से लेके यहाँ तक खर खर भर भर चल दिया गाड़ी तो एक पे मना बकार की फलाना चलिए फलाना ना चलिए मना बकार सब जा सकता है। अगर हमने कहा है कि हमारी इंटर कॉल इंटर की बेटियां अगर 70% नंबर लेके पास होंगी तो जोगी जी की स्कूटी उसके घर में पहुंच जाएगी। तो याद रखिए हम तो सबके लिए कोई के बेटी पर पास करे मेधावी बने तो करा में तो कोनो जात धर्म ना दिखाई फिर भी तोहरा के वो नहीं दे कहे कि तू राम के काहे सोच ले लो। क्या हो गया मेरे उस समाज के लोगों भी आप विचार करो ये समाज में जो नफरत फैल रही है आप लोगों के इस बात से वो अच्छा नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमनी के गलती कहां केले मानी जा अगर हमने राम भगवान राम जहां जन्म लिए अगर उनके टूटे हुए मंदिर को बाबर ने उनके मंदिर को तोड़ दिया उसको बनाना चाहते हैं तो आप हमारा दुश्मन बन जाओगे तो फिर इस प्रदेश के लोगों को सोचना है मेरे भाई बहन। हमने तो सड़क भी दिया खाली मंदिर थोड़े बनाए सड़क भी दिया है हमने घर घर शौचालय भी दिया है हमने पहले ट्रांसफार्मर आपके जल जाते रहे तो चंदा लागत रहे कि नहीं लागत रहे आपस में चंदा लगावत रहे तब वो जाके 2.5 महीना बाद ट्रांसफार्मर बन के आवत है। मनोज अगर गलत कहे तो छोड़ दो अगर सही कहे तो ताली बजा के स्वागत करो जो भी आगे चला हमारा मोहन वर्मा ई खाली मोहन वर्मा नहीं कहो ये योगी आदित्यनाथ जी बड़ो यही नरेंद्र मोदी है। अगर यहाँ से विजय दुबे को आप नहीं जिताते तो प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी तो विजय दुबे कौन विजय दुबे कौन मोहन वर्मा ये नाम जरूर है लेकिन इसके पीछे लाखों हमारे कार्यकर्ता है यही नरेंद्र मोदी है विजय दुबे यहाँ के और यहाँ के योगी यही मोहन वर्मा है ये जीतेंगे तो जीत जाएंगे। इनका गड़बड़ हुआ तो आप समझ लीजिए कि जो वो सोच रहे हैं हम उन्हीं सोच को बढ़ा रहे हैं। मैं ये बात मैं नहीं समझता किसी आचार संहिता के अंतर्गत की मेरी चिंता है हम किसी के लिए भेदभाव नहीं करते तुम क्यों इस तरह की बात कर रहे हो ये सोचने की बात है। अब बताओ आजकल योगी जी के नाम पड़ गए तो बुलडोजर ये नाम रख ले बा हम थोड़ी रख ले बा नहीं जनता रख ले भी। और अखिलेश जी के नाम पड़ गए टोटी भाई हम तो नहीं रख ले हम तो दीदी नहीं रखे ना हमारी महाराष्ट्र से एक पार्षद बहन आई हुई है इसके प्रचार में भी गया था तो भैया हो जब हम ये गाना गाते हैं कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग में बसंती चोला जनता ने उमड़ कर बोला अब रंग में बसंती चोला जनता ने उमड़ के बोला अब रंग में बसंती चोला सड़क बजेगी पुल भी बजेगा होगा बम्बम भोला जनता ने उमड़ कर बोला अब रंग में बसंती चोला जनता ने उमड़ कर बोला अब रंग में बसंती चोला। इतने तक पहली है हमने कहा सड़क बजेगी पुल भी बजेगा लेकिन संगे संगे होगा बम बम भोला गरीब के घर अनाज जाएगा और होगा बम बम भोला। महादेव हम किसी दूसरे का अनादर तो नहीं कर रहे हम तो अपनी संस्कृति का गौरव गान कर रहे हैं ये भैया देखी
अभी ये हमारे साल योगी जी 5 साल में जितना तैयारी कैले बाड़े मोदी जी योगी जी, अब ये लोग कहले बा, आपको याद रहना चाहिए कि किसान खेती के लिए जितना बिजली उपयोग करेगा, अब किसानों से बिजली का एक नया भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और ये बात जाके गांव में बताइए, ये हमारा संकल्प है, घोषणा नहीं, संकल्प है। हर पंचायत में, हर किसमें, हर पंचायत में अगले 5 साल में एक जिम भी खोलेंगे और एक खेल का मैदान भी निश्चित खोलेंगे। ये हमारा संकल्प। देखो मेरी एक बेटी जो है ना, वो खुश हो रही है। अरे वेरी गुड भैया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और यो हमारी घोषणा, हमारे मैनिफेस्टो का एक संकल्प का याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने निश्चय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर घर में, किस घर में, हर घर में एक रोजगार या स्वरोजगार देना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये भी आप याद रखिए। और देखो ये सरकार मोदी योगी जिंदाबाद आप कहते हैं ना, तो ऐसे नहीं कहते हैं, दिल में कैसे घुसी है। मोदी जी ने और योगी जी ने निश्चय किया है कि आपकी माताजी, हमारी माताजी, किसी की माताजी, जो साथ को सरकारी परिवहन में बैठने पे एक नया पैसा भी उसको किराया नहीं दे रहा है। योगी जी का संदेश आपको दे रहा हूं, हमारा ये संकल्प पत्र है। और अभी पेंशन कितना मिलत रहा, 500 रुपया। मोदी योगी जी ने निश्चय कर लिया। देखो चाची कलम मांगती है केकरा से, याद कर लो, मोदी जो कहते हैं, योगी जो कहते हैं वो करते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करती है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो मुट्ठी बांध के बोल दो, वीडियो भेजना चाहता हूँ मोदी जी को, दोनों मुट्ठी, बीजेपी जो कहती है वो करती है। और वही मोदी योगी जी ने कहा है कि अब हम पेंशन 1500 रुपया देंगे, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने। अनंत तिवारी मोहन वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत तिवारी मोहन वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब सोचिए, कोई लोग सोचिए कि अच्छा अभी अब ये संकल्प अब काहे ले आई है। 5 साल हमने तैयारी किया, 5 साल हम लोगों ने बेईमानों को उनको बताया कि देखो तुम्हारी बेईमानी नहीं चलेगी, तो उससे जो इकट्ठा हुआ है अब वो जनता में बंटना चाहिए ना। देखा जाए यहाँ एक ही अंतर बात, ये बीजेपी के खिलाफ, अगर मनोज तिवारी भी मलाई खातिर भाजपा में सांसद बने तो मनोज तिवारी के निराशा ही मिली। वो लोग मलाई चाहते हैं और मोदी योगी बीजेपी जनता की भलाई चाहती है। इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं अंतर है। इसीलिए हम आजकल एक नया गाना बना रहे हैं जो हम इन बेटियों को देखने के बाद गाते हैं कि जिस राज में बेटी मुस्काए, जिस राज में बेटी गाना के धुन आप लोग सुन ले हो पता, कि जिस राज में बेटी मुस्काए उस शासन को चुनना चाहिए, जिस राज में बेटी
अपराधी का दुश्मन है, अपराधी और नेता जो मिले तो खतरे में, हाटा के लोगों का जन जीवन है, जो घर का शौचालय तक भी बनवा दे मोदी योगी को चुनना चाहिए, जो देखो हम तो गाना गाते रही ना, जैसे जयप्रकाश भैया पहले हम ही गाना गौली अब एक लाइन से सबका दांत लौके लगा हम आप लोगों के, हम भले दिल्ली के सांसद बनी लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे भोजपुरी क्षेत्र के भैया लोग, हाटा के भाई लोग, दीदी लोग, हम अपने जीवन में कबो भोजपुरी के मान घटे नहीं दे, हमेशा बढ़ाते रहते के बाते। आप लोग के अभी एक चीज और आप लोग नोट कर नहीं जा, यहाँ जाति प्रमाण पत्र मिले में बहुत लेट लतीफ हो जाता, तो 5 साल के तैयारी के बाद हमने ये भी निश्चय किया है कि जो अनुसूचित जाति दलित समाज के लोगों को सर्टिफिकेट, ओबीसी को सर्टिफिकेट, जिस दिन आपने अप्लीकेशन दिया 15 दिन के अंदर नहीं आया तो अधिकारी को दंडित होना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। और गरीबों की बेटी का विवाह होगा तो अब उसको सरकार 1,00,000 रुपया दिया करेगी, ये भी हमारे संकल्प में है। यही से हम आप सब लोगों से दोनों हाथ जोड़ के बात प्रार्थना करता नहीं कि ये हाटा के हो दीदी भैया, पूरे विधानसभा के सब रहवैया, अरे पूर्वांचल के है बसैया, विनती करत बा मनोज भैया, अरे एहा दीदी भैया चाचा चाची हो, ए दादा दादी हो, कमल के बटन दबा के मोहन के जिलावा ये भैया, कमल के बटन दबा के मोहन के जिलावा ये भैया, ऐसा लगा था जैसे इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे आइला पर सबका म्यूजिक के ट्रेनिंग भी हो गया। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा मोहन वर्मा के जीत में ही, यहाँ बैठे विजय दुबे की जीत है, जयप्रकाश निषाद की जीत है, मनोज तिवारी की जीत है, जीएन सिंह की जीत है, और ये मंच पे जितने लोग हैं, एक दीदी तो हमारी आई है, मनीषा जी दीदी आओ, अच्छा आप तो विधायक हो ना, हम आपके यहाँ गए थे ना, हाँ जी, बोलो क्या हुआ था। मनोज भैया जब मेरे विधानसभा के चुनाव में आए थे तो मेरे विधानसभा में यहाँ के गणपत पाटिल नगर में करीब 20,000 लोग रहते हैं, भैया ने बोला था पानी नहीं है, लाइट नहीं है, उनको आपको पानी लाइट देना है, तो 2 साल में पानी भी दिया, लाइट भी दी और बिजली भी दी और राशन का कार्ड भी दिया। अभी भैया आपके वहाँ के लोगों को जो वचन दिया था कि वचन पूर्ति करने के लिए मुंबई के महापालिका के चुनाव में आने वाले, आप लोग समझ गए ना, ये यदि मैं भूल गया था तो क्या होता है, देश
हम मनोज तिवारी के आपको कोनो ताकत नहीं के रउआ सब ऐसा भरले बानी जब पीछे से ईंधन कि हमनी के जहां जाता नहीं जा वहां पे विजय ही मिलेगा क्योंकि मेरे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है मेरे भैया। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करते हुए दोनों अपने अपनी जगह पे खड़े भी हो जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी एक माला मोहन वर्मा को पहना दूं क्या? तो आप अगर कहते हैं तो दोनों हाथ उठाइए एक बार, हम ये विजय की माला समझ के इनको पहनाते हैं और हर कार्यकर्ता के तरफ से है विजय जिंदाबाद जिंदाबाद। कोनो गलती सलती कभी भइल होई।